Hundreds of people gathered in Times Square tonight to mark the beginning of Ramadan. The fast goes from sunrise to sunset. अमेरिकी इतिहास में पहली बार रमजान के पहले दिन मुस्लिमों ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर किया इफ्तार और पढ़ी नमाज। अमेरिका के इतिहास में पहली बार मुसलमानों ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नमाज अदा की। इस दौरान हजारों की तादाद में मुस्लिम जुटे, तरावीह की नमाज पढ़ी गई। मुस्लिमों के सड़क पर नमाज पढ़ने से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई लोग टाइम्स स्क्वायर पर नमाज पढ़ने का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। गल्फ टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब मुस्लिमों ने टाइम्स स्क्वायर जैसी मशहूर जगह पर नमाज अदा की हो। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि अमेरिका में रह रहे मुस्लिम चाहते थे कि रमजान न्यूयॉर्क सिटी के इस बहुचर्चित स्थान पर मनाया जाए और लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि इस्लाम अमन पसंद मजहब है। आयोजकों के मुताबिक इस्लाम को लेकर दुनिया में कई गलत धारणाएं हैं। आयोजकों ने कहा कि हम सभी लोगों को अपने धर्म के बारे में बताना चाहते थे जो इसके बारे में नहीं जानते थे। इस्लाम अमन का मजहब है। मुस्लिमों का पवित्र रमजान महीना शनिवार को शुरू हुआ। चांद दिखाई देने के बाद रमजान शुरू होने का ऐलान किया गया था। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद लोग तरह तरह के रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। टाइम्स नाउ के पत्रकार आलोक कुमार ने अपने ट्वीट में आरोप लगाते हुए कहा, टाइम्स स्क्वायर पर नमाज ने दुनिया भर में कुछ लोगों को रोमांचित कर दिया है। गुरुग्राम से भी तुलना हो रही है। इसे शांति और सद्भाव का प्रतीक बताया जा रहा है। ये अनावश्यक उकसाने वाला कार्यक्रम लगता है। नतीजतन जल्द ही व्हाइट हाउस फ्रांस जैसे फैसले कर सकता है। जाने माने लेखक खालिद बेदौन ने अपने ट्वीट में कहा, टाइम्स स्क्वायर के बीचों बीच रमजान की नमाज। एक और सोशल मीडिया यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में कल रात तरावीह पढ़ी गई, क्या सुंदर नजारा है। अमेरिका जैसे मुल्क में ये होना मुस्लिमों के लिए गर्व की बात है। वक्त बदल रहा है और एक बेहतरीन जमाना आने वाला है इंशाल्लाह। एक और सोशल मीडिया यूजर ने टाइम्स स्क्वायर पर पढ़ी गई नमाज को लेकर अपना ओपिनियन रखा और ट्वीट के माध्यम से दावा किया कि जो बाइडेन का क्रिश्चियनिटी खतरे में नहीं आया जब मुसलमानों ने अमेरिका के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर रमजान की पहली तरावीह की नमाज अदा की, लेकिन मस्जिदों में अजान भर देने से राज ठाकरे का धर्म खतरे में आ जाता है। दरअसल हिंदुत्व अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।